हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरुण है और आज मैं आपको ड्राइंग के ऊपर कुछ ऐसे नोट्स होते हैं जिनको हमें जैसे ही ड्राइंग प्राप्त होती है साइट पर, तो उन्हें हमें सबसे पहले पढ़ लेना चाहिए ताकि हमें आगे के काम में उससे बहुत हेल्प मिलती है। तो देखते हैं अब ये पॉइंट क्या क्या होते हैं। जैसे कि नंबर एक पॉइंट है हमारा, दी ड्राइंग सेल वी रीड इन कंजक्शन विद ऑल रिलेवेंट आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल ड्राइंग। नंबर दो है अर्थिंग। नंबर तीन है कंड्यूटिंग वर्क। और नंबर चार है लोकेशन ऑफ स्विच बोर्ड। और नंबर पाँच है वायरिंग। तो इसके अंदर सभी पॉइंटों को आपको अच्छी तरीके से समझाया गया है। आप एक बार इनको वीडियो को रोक कर ज़रूर पढ़ें ताकि आपको पता चले कि स्टैंडर्ड साइज और जो भी हमारा काम होने वाला है आगे साइट पर, उसके बारे में सर्किट डिटेल, कितने का सर्किट है, कितने का वायर है, वो सारा ही सब कुछ इसमें नोट्स में दिया हुआ होता है। तो और उसके बाद हमें ध्यानपूर्वक सिंबल, ड्राइंग के अंदर सिंबल दिए होते हैं, उनको पढ़ना होता है कि सिंबल के अंदर किस चीज़ का क्या सिंबल है और वो कितनी हाइट पे लगा हुआ है। डीवी हमारी कितनी हाइट पर है, एलवी जंक्शन बॉक्स हमारा कितनी हाइट पर है, एलवी कंड्यूट स्लैब में है या सममैन कंड्यूट अलग अलग है, इसके लिए हमें यहाँ से सारी जानकारी इन्हीं दोनों पॉइंटों से मिल जाती है। और इसमें तीसरा पॉइंट होता है सर्किट डिटेल भी दी होती है कि डीवी किस कौन सी डीवी लगेगी हमारी और सर्किट कितने सर्किट की डीवी है, तो इसमें और कितने स्क्वायर एमएम का हमारा वायर है, कलर कोडिंग सारा दिया होता है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें ताकि मैं आगे एमईपी से रिलेटेड आपको साइट की प्रैक्टिकली वीडियो भी भेजता रहूं और ड्राइंग के बारे में भी आपको पूरी जानकारी देता रहूं। थैंक यू।